अमित शाह जिंदाबाद, बालाघाट की जनता जिंदाबाद। मंच पर विराजमान, अरे आज वैसे ही आंधी तूफान आ गया, अमित भाई को लौटना पड़ा। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता जो आज यात्रा लेके यहां से रानी दुर्गावती जी के गौरव यात्रा लेके यहां से रवाना होंगे, आदरणीय फग्गन सिंह जी, पंकजा ताई उनका स्वागत है, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री हरदीप जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, रामकिशोर कावरे जी मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी हमारे सांसद, भोला सिंह जी, कविता जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, आलोक जी, मुनमुन जी। अब मैं सोचता हूं एक साथ ही कह दूं, आदरणीय मंच, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों और मेरी लाडली बहनों, लाडली बहनें इधर बैठिए, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, इसे दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, दुनिया में धूम मचा रहे हैं, कल योग की धूम पूरे संसार में थी, धरती पर योग, समुद्र में योग, आसमान में योग, संयुक्त राष्ट्र संघ में योग, बालाघाट में योग, मध्य प्रदेश में योग, लेकिन योग नहीं किया तो कांग्रेसियों ने नहीं किया, कोई कांग्रेस योग करते हुए दिखा ही नहीं। अब योग से क्या बुराई है कांग्रेस के मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। जरा आप कल्पना करके देखो, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब अपने देश का कहीं मान और सम्मान था क्या? पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, छोटे छोटे देश आंखें दिखाते थे, लेकिन जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत का उदय हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान की तो घिग्गी बंद गई, अब बोलने ही बंद कर दिया, हमारा पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन पहले चीन कितनी आंखें दिखाता था। लेकिन कहते हुए गर्व है, अगर मोदी जी के राज में चीन ने जरूरत की आंख दिखाने की और उसके सैनिकों ने हमारी सीमाओं में प्रवेश किया तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के भारत के सैनिकों ने वापस चीन में फेंक दिया। आपको याद है रूस और यूक्रेन का युद्ध, रूस और यूक्रेन में लड़ाई अभी भी जारी है, हमारे बच्चे फंस गए यूक्रेन में, बच्चों ने गुहार लगाई हमें निकालो, भयानक युद्ध चल रहा था, बच्चे कैसे सुरक्षित निकले? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और सीधे कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे, जब भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस निकलना चाहिए। और सारी दुनिया ने देखा,
तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए जैसे ही हमारे बच्चे निकले, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और यूक्रेन भी रुक गया और तिरंगा झंडा लहराते हुए भारत के बच्चे बाहर निकल के सुरक्षित आ गए। हमारे पीछे बांग्लादेश के भी निकल आए। ये आज का भारत है। केवल एक बात सोचो मेरे बहनों और भाई, एक बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या कोविड का टीका बन पाता? मैं जनता से पूछ रहा हूं, बन पाता क्या? नहीं बन पाता, 200 साल तक नहीं बनता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोविड आया, टास्क फोर्स गठित हुई और 8 महीने के अंदर टीका बना के भारतीयों को भी लगा दिया और 100 दूसरे देशों में भी भेज दिया। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो कितने लोग सुरक्षित रहते? वैभवशाली और गौरवशाली भारत आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, लेकिन इसी से कांग्रेस और हमारे विरोधी जल रहे हैं। उनको चारों तरफ सपने में भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी को गाली देना, ये उन्होंने रोज का काम बना लिया है और सब में होड़ लगी, इकट्ठे हो जाओ, मोदी जी के समर्थन की लहर चल रही है। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है, ईश्वर की कृपा से ऐसा नेतृत्व मिलता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, एक बार फिर तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मध्य प्रदेश में मैं आपको पूछना चाहता हूं, बीडी शर्मा बता रहे थे, आज ईमानदारी से मुझे बताना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बताओ मध्य प्रदेश में सड़कें थी क्या? ऐसे नहीं जोर से बोल के बताओ, सड़कें थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा, गाड़ी अगर चलती थी तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। यह हालत मध्य प्रदेश की हो गई थी, सड़कें नहीं, बिजली नहीं। अभी बीडी शर्मा कर रहे थे पीने का पानी घर घर नल से, अरे इनने तो सिंचाई का पानी भी नहीं दिया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन चारों तरफ विकास के कामों की झड़ी लगी है। विकास का एक नया युग आया है, खेती में, सिंचाई में। अभी अभी मुझे भाव बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे, रमेश जी बाकी लोग, के साहब अब तो गर्मी वाली धान होती है लेकिन गर्मी वाली धान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाती। किसान भाइयों, अगले साल से गर्मी की धान भी हम खरीदेंगे, समर की धान भी हम खरीदेंगे। बताओ कांग्रेस कभी खरीद सकती है क्या? अरे जोर से बोलो यार, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, यह केवल बीजेपी की सरकार करेगी, किसानों के कल्याण के काम। कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? और आओ 0%। और ये कमलनाथ दादा ने झूठ बोल बोल के कर्जा माफ कर्जा माफ कर्जा माफ, लोगों ने भरा नहीं तो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई। तो हमने वचन दिया था जनता जनार्दन को कि कमलनाथ ने कर्जदार बनाया, जो ब्याज की गठरी आपके सर पर चढ़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ब्याज को भर के किसानों को खाद और बीज की व्यवस्था सोसाइटियों से करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया, 6,000 रुपया हर किसान को एक साल में। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं, कम से कम 4 तू भी दे दे। तो हमने 6 में 4 जोड़ के देना शुरू कर दिया, 10,000। और अभी पिछले दिनों 13 तारीख को राजनाथ जी आए थे, तब हमने तय कर दिया राजगढ़ में कि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे तो 6,000 मामा के भी आएंगे, हर साल 12,000 रुपया किसानों को मिलेगा। अकेले किसानों के ही काम,
अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट भी चिंतित है, वो कह रहे मामा जल्दी आ गए, जल्दी नहीं आए तो जा नहीं पाओगे। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के काम की अगर आप बात करें, ये हमारा बालाघाट सितंबर में भाव तैयारी कर लो, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाए। अपनी सरकार बालाघाट का विकास अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताओ कांग्रेस कर सकती है क्या? तो ताली जोर से बजाओ, जरा ऐसे नहीं चलेगी, कांग्रेस नहीं कर सकती। और मेरी लाडली बहनों, क्या दे दिया कांग्रेस से कोई बता दे? अपनी बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिया कांग्रेस ने बहनों को? केवल झूठे वादे। मेरी बहनाओं, इसी बालाघाट में 3.25 लाख बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का चमत्कार किया तो मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और सुन लेना साफ, ये वही कांग्रेसी है, सबसे पहले ये योजना मैंने बेगा भारिया सहरिया बहनों के लिए शुरू की थी, 1,000 रुपया महीना। एक कमलनाथ जी, बेगा भारिया बेगा बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन्हें वो 1,000 रुपया बंद कर दिए। बेटी की हम शादी करते थे, बेटी की शादी, इन्हें कहा 51,000 देंगे। शादी हो गई, टोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। इन्हें बहनों का पैसा छीन लिया, इन्हें संबल योजना बंद कर दी, इन्हें बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, इन्हें बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया मैं देता था, वो लड्डू के 12,000 और 16,000 भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए। आज बात करते हैं ये, और कि आज मैं इस पहली चुनावी सभा में आपसे निवेदन करने आया हूं। और लाडली बहनों, ये 1,000 रुपया तक सीमित नहीं है। लाडली बहना, पता है कि नहीं सब बहनों को ये योजना? जिनको पता है जरा हाथ उठाओ, बहनों से कह रहा हूं, ये 1,000 तक नहीं, 1,000 से बढ़ के धीरे धीरे हो गए 1,250, 1,250 से 1,500, 1,500 से 1,750, 1,750 से 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750 और फिर, अरे जोर से बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी है। और अपने खजाने में जनता के लिए धन की कमी नहीं है, चिंता मत करना मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे लिए योजना आ रही है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मेरे बेरोजगार बेटे बेटियों, एक तरफ सरकारी नौकरी में 1,00,000 भर्तियां जारी है, वो 1,00,000 भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां फिर करूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियां, दूसरी तरफ निवेश से रोजगार, और तीसरी तरफ हमारे बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले में 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, 8,000 रुपया महीना। 12वीं पास, कॉलेज पास, ऐसे बच्चों को 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना। और मेरे 12वीं के बच्चों, अभी अभी परीक्षा पास की होगी, कमलनाथ जी ने तो लैपटॉप बंद कर दिए थे, अब फिर मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप के लिए पैसा देगा। और हर हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले स्थान पर जो बेटी आई उसको स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी। लेकिन भांजे नाराज हो रहे हैं, वगैरह मामा हमें तो इस बार तय कर लिया, भांजियों के साथ भांजों को भी स्कूटी दी जाएगी, भांजों को भी स्कूटी, भांजियों को भी स्कूटी। और क्या करना भाऊ बता दो।
ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बहनों और भाइयों, बहुत देर से आप बैठे हैं, मुझे ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ आपको मामा पे भरोसा है कि नहीं? और जोर से बताओ, मामा पे भरोसा है कि नहीं? मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि नहीं? तो बताओ, अगले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए? और जोर से बोलो, जीतना चाहिए। तो आज जिताने का संकल्प लोगे? सब जिताने का संकल्प लोगे? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सारे भाई बहन। आज इस महती सभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे, और जिताने के संकल्प के लिए कि हम बीजेपी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाएंगे और लोकसभा में बीजेपी का सांसद जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं सब जगह, और बांधिए दोनों मुट्ठी बजरंग बली का मुक्का, और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। श्री राम, जय श्री राम, और हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। एक सूचना, फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में और बाकी जगह से 5 यात्राएं निकलेंगी, 5 यात्राएं, एक का नेतृत्व फग्गन सिंह जी करेंगे, रानी वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। बोलिए वीरांगना रानी दुर्गावती की। और ये यात्रा 5 अलग अलग स्थानों से होते हुए 26 तारीख को शहडोल पहुंचेगी और 27 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहडोल पधार रहे हैं। आपको भी शहडोल आना है, मोदी जी के नेतृत्व में शहडोल में नया इतिहास रचा जाना है, और रानी दुर्गावती जी की गौरव यात्रा, हमारा उनको प्रणाम है, श्रद्धा सहित नमन है। स्वराज और स्वधर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया था, इसलिए एक बार फिर बोलिए रानी दुर्गावती की। वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे। मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करती हूं कि हरी झंडी दिखाकर जो 22 तारीख से 5 स्थानों से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, उसे हरी झंडी दिखाकर उसका विधिवत श्री गणेश करें। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यह यात्रा लगभग 25 विधानसभाओं को कवर करते हुए 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते इसका समापन होगा। मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूं। बालाघाट जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि आभार प्रदर्शन करें। हेलो, मोदी सरकार के सफलतम नववर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के निमित्त बालाघाट में आयोजित विशाल जनसभा हेतु हमारे बीच पधारे राजनीति मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। तमाम बड़ी घोषणाएं बालाघाट वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने की है, और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाई है उस गौरव यात्रा को जिसका आगाज आज हो रहा है। 25 विधानसभा क्षेत्रों से, लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती हुई यात्रा 26 जून को समापन होगा, 27 जून को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सिलसिलेवार कार्यक्रम के बारे में खुद जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाई है, और कई बड़ी घोषणाएं आज बालाघाट वासियों के लिए भी। इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण होगा जल्द ही, इस बारे में भी जानकारी। साथ ही साथ स्कूटी दी जानी है टॉपर्स को, इस तरह की तमाम घोषणाएं जो कि प्रदेश के तमाम व्यक्ति को लाभान्वित करने वाली हैं। मेगा आयोजन बीजेपी की तरफ से बालाघाट में, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया।